आज दिनांक 25 अगस्त की डेट में यूपी स्कॉलरशिप 2021-22 को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। जी हां गाइस, आज फिर से छात्रवृत्ति आनी शुरू हुई इन स्टेटस और कैटेगरी के छात्रों की। जी हां गाइस, पूरा वीडियो में आपको लाइव ट्रांजेक्शन दिखाने वाला हूँ कि आज 25 अगस्त की डेट में छात्रों की स्कॉलरशिप आई है, तो आप भी अपना स्कॉलरशिप का पैसा कहाँ से चेक कर सकते हो, सब कुछ आपको वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा। बाकी आगे किसी का पैसा आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज यार, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो विनोद जी जो कि एससी कैटेगरी के छात्र, कल ही इन्होंने देखो कल इन्होंने मुझे ये अपना स्क्रीनशॉट भेजा और यहाँ पर बताया कि टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस रिबर्समेंट 59,800 एंड पेड स्टेट शेयर 27,920 रुपये एंड सेंट्रल शेयर 41,880 रुपये, ये ऐसा शो करा मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उम्मीद अब एकदम नहीं थी। लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर से आने लगी 41,880 रुपये। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, सेंट्रल शेयर इनका शो कर रहा है। अब उसके बाद देख सकते हो आज की डेट में इन्होंने ये मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आज 3:13 पर, मतलब आज दोपहर में 3:13 पर मुझे ये स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया और यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि RS 41,880 रुपये क्रेडिटेड इन योर अकाउंट इतना इतना, APBS CR पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 41,890 रुपये, जो कि अभी स्टेटस में आपको शो हो रहा था 41,890 रुपये। यहाँ पर डेट भी देख सकते हो लाइव प्रूफ के तौर पर 25/8/2022 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, थैंक यू, मेरी आज स्कॉलरशिप आ गई। तो एक छात्र ने मेरे पास ये मैसेज भेजा तो मैंने सोचा चलो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता। देखो बहुत लोग बोलेंगे स्कॉलरशिप कुछ नहीं आ रही, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो मुझे मेरा काम क्या है, मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई कर दूँ खुद को, क्योंकि करना पड़ता है कभी कभी। मैंने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर हर जगह स्टोरी लगा दी है कि भाई अगर किसी की आई हो तो मुझे बताएं, क्योंकि ये मुझको न्यूज़ मिली है तो मेरा काम है आप लोगों को बताना कि हाँ भाई आज इस छात्र की स्कॉलरशिप आई है। तो हो सकता है ऐसे कई सारे छात्रों की स्कॉलरशिप आई हो जो कि अभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसी की आई हो। तो किसी की अगर आज की डेट में आई हो स्कॉलरशिप तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि सर मेरी आई है। जिसकी नहीं आई है कोई बात नहीं, ये तो 22 लाख जिसको मिल जा रही है अच्छी बात है, क्योंकि अभी न्यूज़ आई थी कि 16-17 अगस्त से स्कॉलरशिप एससी वालों की आएगी, आपको पता होगा। चलिए उस न्यूज़ को दिखा देता हूँ, बाकी बता देते हैं कि पैसा कहाँ से चेक करना है। क्रोम ब्राउजर पर boardexam.com सर्च करना है। क्या सर्च करना है? boardexam.com, सिंपली इसी को आप लोगों को सर्च कर लेना है। जैसे ही boardexam.com आप लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर चले आओगे, तो आप देख सकते हो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना, आपको यहाँ पर रेड कलर में एक ऑप्शन दिखता है यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट स्टेटस 2022, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। जो भी अपडेट होगी यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 से रिलेटेड, 21-22 से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर देख सकते हो वो वाली न्यूज़ भी, 15 अगस्त को न्यूज़ आई थी, आपको पता होगा मैंने वीडियोज़ बना के भी बताया था कि 2 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप इसी सप्ताह केंद्र के हिस्से की शुल्क भरपाई, केंद्र यहाँ बोला भी गया था कि सेंट्रल शेयर इसी सप्ताह आएगा। और यहाँ पर डेट भी देख सकते हो 16-17 अगस्त बोला गया था, लेकिन 16-17 अगस्त को किसी की स्कॉलरशिप आई नहीं। आज दिनांक 25 अगस्त की डेट में छात्र ने बताया कि उनकी एससी कैटेगरी की, देखो स्टेटस मैंने दिखा दिया वीडियो में कि जिनका सेंट्रल और पेड स्टेट शेयर शो कर रहा वैसे छात्र थे और एससी कैटेगरी के थे। और यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर सबका यहाँ पर स्टेटस है, फ्रेश रिन्यूअल का आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर स्कॉलरशिप आई होगी तो जाहिर सी बात है भाई आपका स्टेटस चेंज हुआ होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट नंबर डाल के स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके नीचे उमंग का ऑप्शन है, उमंग से भी आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हो। इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही एक बोनस टिप दे दूँ, एक बोनस न्यूज़ बता दूँ आपको कि केंद्र सरकार की एक स्कॉलरशिप जो आती है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा करके आती है, जिसमें आपको सालाना 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, 1,000 रुपये मंथली की स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। चलिए उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। लोग देख सकते हो 2023-24 के लिए 29 अगस्त से आवेदन स्टार्ट होंगे और 24 सितंबर तक ये आवेदन चलेंगे और 6 नवंबर को होगी इसकी परीक्षा, 6 नवंबर को होगी। मतलब 29 अगस्त से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए, 24 सितंबर तक लास्ट डेट है, 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगा। और यूपी में इसकी 15,143 सीट है, मतलब 15,143 छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको एग्ज़ाम देना होगा, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर 1,000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब
सालाना 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए है। तो कक्षा 9वीं या 10वीं 11वीं 12वीं मतलब 9th 10th 11th 12th में अगर आप पढ़ते हो, आप राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा जो है इसका फॉर्म भर सकते हो। 15,143 सीटें रहेंगी। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भाई बहुत गुड न्यूज़ है, आप मंथली 1,000 रुपये पाओगे फ्री की स्कॉलरशिप, सालाना 12,000 रुपये। तो 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो क्या काटता है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, आपको अप्लाई करना तो अप्लाई कर लीजिए और एक बार एग्ज़ाम में बैठ लीजिए। अगर क्वालिफाई हो जाता है तो भाई सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे, कोई वैसी छोटी रकम नहीं है 12,000 रुपये कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों के लिए। तो जैसी आपकी मर्जी आप लोग ट्राई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है विशाल प्रजापति 5148, वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नए वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।